ऐसा कहते हैं कि अगर हम किसी को अपनी उंगली अगर पकड़ने के लिए अगर दे तो सामने वाला इंसान अपना सीधा हाथ खींच लेता है, और तुझे मैंने अपनी उंगली पकड़ने के लिए नहीं दी थी, तुझे तो सीधा मैंने अपने कंधे पे बिठा दिया था, और तू तो साला मेरे ही कंधे पे बैठे मेरे ही कान में तुम उतरा था जो कि मुझे पता नहीं था। मेरे सामने तू बहुत अच्छी अच्छी मेरी तू तारीफ करता था और मेरे पीठ के पीछे तू मेरी बजा रहा था, मुझे मारने की तू प्लानिंग कर रहा था। नाइस, तू अपने आप को जितना स्मार्ट समझता है ना उतना है नहीं। तेरी हर एक प्लानिंग तेरी फंसते चली गई, फ्रस्ट्रेट होता गया तू। उसके बाद तूने जो वो एक गलती तूने की ना उसके वजह से मैं आज जिंदा हूं। एक गलती तूने की और वो एक गलती तुझे इतनी भारी पड़ गई। तूने जो मुझे मारने के लिए जो तेरे जो भाड़े के जो टट्टू भेजे थे ना वो मुझे मारने के लिए तो आए थे, लेकिन तुझे ये नहीं पता कि जो भाड़े के तेरे जो टट्टू थे वो मेरे पाले हुए कुत्ते वो मुझे मारने के लिए नहीं आए थे वहां, वो मुझे तेरी सारी काली करतूतें मुझे बताने के लिए आए थे। तेरी सारी प्लानिंग्स मेरे बारे में तू क्या क्या सोचता है, मुझे मारने की तू कैसी तूने साजिश तूने रची, ये सब उन्होंने मुझे बता दिया। तभी मुझे लगा कि साला तुझ पे विश्वास रख के मैंने बहुत बड़ी मैंने गलती की। मुझे ऐसा लगता था कि तू मेरा पाला हुआ कुत्ता है, लेकिन तू तो साला बेईमान निकला। गलती ना एक्चुअली तेरी भी नहीं, बेईमानी ना तेरे खून में ही। तेरा बाप भी साला ऐसा ही था, तेरे बाप ने मेरे बाप को धोखा दिया और तूने मुझे। लेकिन ना एक बात है, तू तेरे बाप से भी एक कदम आगे निकला। तेरे बाप ने मेरे बाप को कभी मारने की कभी कोशिश नहीं की, तूने तो सीधा मेरा गेम बजाने की कोशिश की। वाह, मस्त प्लान था रे तेरा, मस्त प्लान था। तुझे क्या लगता है मैं तुझे मारूंगा? अरे यार मैं तुझे कैसे मार सकता, तू तो मेरा बेस्ट फ्रेंड है ना, मैं तुझे नहीं मारूंगा। सिर्फ मैं तेरे हाथ तोड़ूंगा, तेरे पैर तोड़ूंगा और रस्ते पे तुझे फेंक डालूंगा। तेरा एम्पायर तो मैंने छीन ही लिया है, अब मैं तेरा जीने का तरीका ही मैं तेरा बदल दूंगा। तुझे लैविश लाइफ चाहिए था ना, तुझे मेरे से भी बड़ा होना था ना, मेरे से आगे जाना था ना। जा आगे जा, लेकिन अपने पैरों पे नहीं, दूसरों के कंधों पे।